This is cinema, my darling. वेलकम जी, आज हम अपने इस चैनल में बात करेंगे पाकिस्तान की फ़िल्म कलर के बारे में जो 1960 में रिलीज़ हुई। और इस फिल्म को मंतखब करने का और इसका ज़िक्र करने की वजह ये है कि हम जैसे ज़िक्र कर रहे थे पहले कि दुनिया भर में फ़िल्म की तहरीक चली, जैसे फ़िल्म मूवमेंट्स हैं, तो जायज़ा ये लेना है कि क्या पाकिस्तानी सिनेमा पर भी उसका असर हुआ और यहाँ के जो लोकल हालात हैं, हमारा माशरा जो है उसकी सकाफत और सियासत की वजह से क्या हम अपनी फ़िल्मों को उनके मुकाबले में ला सकते हैं कहीं। तो इसलिए आज क्लर्क फ़िल्म का इंतखाब किया गया। क्लर्क के बारे में तफसील से बात करूँगा। ये थी खलील कैसर की फ़िल्म। हदायतकार खलील कैसर पाकिस्तान के एक नौजवान हदायतकार भी थे और अदाकार भी थे, और क्लर्क में उन्होंने हीरो का किरदार भी अदा किया। उन्हें बदकिस्मती से जवानी में ही कत्ल कर दिया गया, और लगता ये है, शकूक यही है कि शायद उनकी फ़िल्मों के जो मौजूआत हैं वो भी एक ख़ास तबके को पसंद नहीं आए, जो कि नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में आवाम को अवेयरनेस मिले, गरीब को आवाज़ मिले, और यूँ उनके घर में एक डकैती की वारदात हुई और उनको कत्ल कर दिया गया, और आज तक उसका भी कोई सुराग नहीं मिला। अगर खलील कैसर ज़िंदा रहते तो शायद पाकिस्तानी सिनेमा का आज कुछ और रुख होता, क्योंकि एक शख्स जो है वो भी एक पूरी जो हमारे अदारा है या हमारे आर्ट है या कल्चर है उसको बदलने में काफ़ी अहम किरदार अदा करता है। खलील कैसर की बाकी मशहूर फिल्मों में शहीद है, फरंगी है, तोशीज़ा, अजब खान, हवेली, तो इन फिल्मों को अगर देखा जाए तो उनमें देखें फरंगी और अजब खान, शहीद, ये तीनों एक अलग मौजू पे हैं। फरंगी जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ है जो यहाँ अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, और इसी तरह अजब खान भी, और जो शहीद है वो फ़लस्तीन के मसले के ऊपर है। इसके अलावा बाकी फ़िल्में जो हैं उनकी वो पाकिस्तानी हालात के मुताबिक है, लेकिन क्लर्क एक ख़ास फिल्म है जो मैंने इसको मुंतखब किया है कि हम देखते हैं कि क्या क्लर्क में हमें फिल्म नोआह, जी फिल्म नोआह जिसे इंग्लिश में कहते हैं, फ्रेंच लफ्ज़ है, नोआह फ्रेंच में ब्लैक को कहते हैं, यानी स्याह सिनेमा। ये तहरीक थी सिनेमा की, फिल्म मूवमेंट थी, जो कि वैसे फ्रेंच सिनेमा से शुरू हुई लेकिन इसको रूस पे पहुंचाया हॉलीवुड ने, और हॉलीवुड में इसको जो कि क्राइम फिल्में थी रिलेटेड, जो माशरे में जो जुराइम हैं उसके हवाले से, उसमें माशरती जुराइम भी हैं, माशी भी हैं, और बाकी दुनिया में फिर ये मूवमेंट फैली और हर मुल्क ने अपने लिहाज से इसको लिया। और दूसरी मूवमेंट जो इस फिल्म में नज़र आती है जिसकी झलक, वो है नियो रियलिज़म, जो कि इटली ने जिसको रूज दिया, और जो माशरे के मसाइल को, जो कड़वा सच आप जिसे कहते हैं, वो स्याह हकीकतें, जिसे ब्लैक सिनेमा कहा गया इंग्लिश में, स्याह हकीकतें जो हैं वो हम सामने लाए। तो क्लर्क का जायज़ा हम इसी हवाले से लेंगे। और क्लर्क आई 1960 में, तो ये बैकग्राउंड भी है कि उस वक्त देखिए कि पाकिस्तान में अगर फिल्म बनती थी तो आजकल तो 15 दिन में 20 दिन में बन जाती है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, टेक्नोलॉजीज चूँकि कम थी, फिल्म बनने में पाकिस्तान में उस वक्त साल या डेढ़ साल, दो साल भी लग जाते थे। जनवरी 1960 में रिलीज़ हुई, तो यकीनन इस फिल्म में जो मेरा ख्याल है 1958 में कहीं या उसके आखिर में बनना शुरू किया होगा। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में जमहूरी, जो सो कॉल्ड कह लें जमहूरी हुकूमतों का ख़ात्मा किया गया, और पाकिस्तान में पहली बार फोर्सेस ने मार्शल ला डिक्लेयर किया पूरे मुल्क में पहली दफ़ा, और जनरल अयूब खान ने हुकूमत संभाली। और इस हवाले से अयूब खान का ईरा था उस पर तो हम बात करेंगे, जो हमारा पाकिस्तान की हिस्ट्री थ्रू सिल्वर स्क्रीन सीरीज़ आने वाली है अभी फिल्मों के हवाले से उसमें, या जो चल रही है पोस्टर्स के हवाले से उसमें भी हम जिक्र कर रहे हैं कि उस जो 10 साल रिजीम था जिसको 10 साल जश्न के तौर पे भी एंड पे मनाया गया, उसमें पाकिस्तान ने क्या हासिल किया और क्या खोया, इस पे हम बाद में बात करेंगे।
फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये बैकग्राउंड बता रहा था कि किस दौर में ये फ़िल्म बनी, क्योंकि इस फिल्म में कुछ सीन, कुछ डायलाग या कुछ गीत ऐसे हैं जिनका असर नुमाया नज़र आता है इन हालात का। तो चलते हैं जी अब फिल्म की तरफ। ये पहला सीन देखते हैं हम फिल्म क्लर्क का, और फिर इस सीन को हम डिस्कस करते हैं फिल्म टेक्निक के लिहाज से और फिल्म थ्योरी के लिहाज से। फाइलें उठाकर मेरे साइकिल के पीछे बांध। ये फिल्म का सीन जो आपने देखा, ये फिल्म के टाइटल का है, ओपनिंग का है, यानी जब फिल्म शुरू होती है। तो इसी में आपसे दरख्वास्त ये करूँगा कि मैं जो हर सीन के बारे में कुछ बताऊँगा तो ज़रा उसको रिवर्स रिवाइंड करके, रिवर्स करके, रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, ताकि फिर आप उस फिल्म को, उस सीन को समझ सकें। ख़ासतौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए कहता हूँ। इस फिल्म के सीन में आप देखिए कि एक तो फिल्म के ओपनिंग में क्लर्क, फिल्म का नाम था, टाइटल था, एक बताया गया क्लर्क का काम, यानी सारा दफ्तर छुट्टी कर चुका है, सिर्फ एक चपरासी बैठा हुआ है और एक क्लर्क बैठा हुआ है, और रात का टाइम हो चुका है और उसकी फाइलें हैं, उसका काम ख़त्म नहीं हुआ, और वो लेट क्यों काम कर रहा है? ज़ाहिर है ओवर टाइम के लिए, उसकी तनख्वाह कम थी, गुर्बत थी, तो वो ओवर टाइम करके अपना जो है गुजारा पूरा करता था। फिर इसमें तकनीकी लिहाज से देखिए कि खलील कैसर ने लाइट और शेडो का और डार्कनेस का कितना खूबसूरत इस्तेमाल किया है। जब शाम हो चुकी है और शाम भी बल्कि गुजर चुकी है, तो उस वक्त दफ्तर के अंदर जो लाइट है, जो एक बल्ब जल रहा है, उस बल्ब की रोशनी हमें बता रही है कि वह टाइम क्या है, और बाकी धुंधल का है, अंधेरा है दफ्तर में, चारों तरफ खामोशी है, और जमाही लेना चपरासी का, बोर होना और ये कहना कि जनाब अब बहुत देर हो चुकी है, तो शायद वो भी छुट्टी करना चाहता है। तो नहायत खूबसूरत सीन फिल्म तकनीक के लिहाज से, और देखने वालों के लिए एक जो पूरा सीन है वो आपको, उसका पूरा जो पस मंज़र है कहानी का, जो किरदार का, वो आपके सामने लेके आ रहा है। आइए आप देखते हैं अगला सीन। ये सीन भी देखने के काबिल है। अब देखिए कि 1958 या 1959 का दौर होगा जब ये फिल्म बन रही थी, इसकी शूटिंग हो रही थी, तो उस दौर में बाहर का एक बाज़ार का सीन है, ये स्टूडियो नहीं है, बाहर इसकी शूटिंग की गई। और साइकिल उस वक्त जो था वो पढ़े लिखे लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का एक ज़रिया था सवारी का। तो क्लर्क जो है वो साइकिल पर जाता है, और उसका सूट, उसके कपड़े बता रहे हैं कि उस वक्त जो क्लर्क थे वो कैसा लिबास पहनते थे, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ थी ख़ास तौर पे उसमें। फिर इसमें जो इंटरनेशनल फिल्म की एक तकनीक इस्तेमाल की गई है कि इस किस तरह साइकिल को रोक के वो साइकिल को देखता है, कि उसके चेन को, गरारी को, कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, और फिर अपने हाथ देखता है जिससे हाथ गंदे होते हैं। ये सीन हमें इस तरह के इटालियन जो नियो रियलिज्म की फिल्में हैं वहाँ बहुत नज़र आते हैं। इसी तरह जो फ्रेंच फिल्में हैं उस दौर की, फ्रांस में बनी, जो कि ब्लैक सिनेमा की या फिल्म नोआर की थी या न्यूरियलिज्म की फिल्में थी, तो इस तरह के सीन ये बिल्कुल हमें उससे, इसकी मुताबिकत नज़र आती है। और खलील कैसर की हदायतकारी में ये झलक
और नुमाया है, और ये इससे अंदाज़ा होता है कि खलील कैसर उस दौर की बैन अल-अक़वामी फ़िल्मों से कितने उस टेक्निक से आगाह थे और उसको उन्होंने कितनी खूबसूरती से यहाँ इस्तेमाल किया कि एक मिडिल क्लास का आदमी वो किस तरह सूट भी पहनता है, साइकिल पे जाता है, और फिर बेचारे के हाथ किस तरह गंदे होते हैं क्योंकि उसकी मजबूरी है। और ये जो जिसे हम वाइट कलर कहते हैं, वो सफ़ेद पोश तबका, ये उसकी मुश्किलात, उसकी ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़, उसकी एक झलक थी जो इस सीन में आपने देखी। पापा की कसम इस दफा जरूर दे दूंगा। देखो भाई, आज मेरी इज्जत रख ले, तमाम जिंदगी तुम्हारा ममनून रहूंगा। तो पहली को कितने दिन बाकी हुए? अब तुम जाओ, एक दफा फिर तुम्हारा इतबार कर लेते हैं। क्या बात थी बड़े मियां, कैंटीन वाला क्या कहता था? कहना क्या था, बेइज्जती करने आया था। क्यों? 3 माह से उसका कर्ज नहीं अदा कर सका। लेकिन उसे दफ्तर में इस तरह आने का क्या हक है? छोड़ यार। इस सीन में भी दफ्तर का माहौल और ब्लैक एंड वाइट फिल्म के उस दौर में रोशनी और साए का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल आपको नज़र आएगा, जो कि खलील कैसर ने किया। फिर इसमें आप किरदार देखें, एक ऑफिस में काम करने वाला सफ़ेद पोश जो कैंटीन का उधार नहीं चुका सकता, और किस तरह कैंटीन वाला आके उसको जलील करता है ऑफिस में लोगों के सामने, ये उसकी मजबूरियाँ हैं। ये मिडिल क्लास तबके का, सफ़ेद पोश तबके का जो मुश्किलात थी, ये हम बात कर रहे हैं 58-59 के दौर की जब ये फिल्म बनी थी, और अगर आज के माहौल को देखें तो कोई ज़्यादा हमें डिफरेंस नहीं आता नज़र। ये वही चीज़ हमें अब भी, मजबूरियाँ, महंगाई, वो मसाइल शायद यूनिवर्सल हैं और अब भी हैं। एक सवाल पूछो, मुझे जानते हो? जी नहीं। ये लड़की तुम्हें जानती है? ये मेरी बहन है जनाब। मेरा मतलब है, क्या उसे मालूम है कि तुम एक जेब कतरे हो? जी नहीं। तुम मरो कि आज तुम्हारी वजह से उसे एक गैर मर्द का सामना करना पड़ा है। बापू जी, अगर मैं उसे तुम्हारे मुतालिक बता दूं तो जानते हो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? नहीं नहीं बापू जी, खुदा के लिए ऐसा ना कीजिएगा। इसका मतलब है तुमने अभी गैरत बाकी। गैरत तो है बापू, लेकिन मैं पूरी पेश नहीं चलने देती। मैं तमाम बुराइयां इसी एक अच्छाई की खातिर करता हूँ। अगर यही बुराइयां किसी दिन तुम्हें जेल में ले गई तो इस अच्छाई का क्या होगा? क्या उस वक्त तुम्हारी बहन तुम्हारे किए की सजा नहीं भुगतेगी? ये बात मेरे जमीर ने भी कई बार कही है बाबू जी। मैंने भी कई बार नेकी के रास्ते के मुतालिक सोचा है, लेकिन मुझे कोई ऐसा रास्ता ही सुझाई नहीं दिया जिस पर चलकर मैं अपनी जरूरतों का पेट भर सकूं। रास्ता मिल सकता है, मेहनत कर सकोगे? आजमा कर देखिए बाबूजी। तो कल सेठ अब्दुल्ला के दफ्तर आ जाना, कल ही तुम्हें मुलाजमत दिलवा दूंगा। अब जाओ, अपनी बहन की फिक्र दूर करो। इस सीन में खलील कैसर हैं खुद जो कि हीरो का किरदार, एक क्लर्क का किरदार अदा कर रहे हैं, साथ उनके रतन कुमार हैं। इस सीन के जो डायलाग हैं, इस फिल्म के डायलाग रियाज शाहिद ने तहरीर किए थे, और ये डायलाग जो हैं वो पूरी अक्कासी कर रहे हैं हमारे उस माहौल की जो उस वक्त हमारे माशरे में था। एक तो गुर्बत, मजबूरी और गैरत का तस्वर, यानी उस दौर में आप देखें कि एक औरत के सामने गैर मर्द का आ जाना अचानक, ये भी एक बहुत बड़ा एक इशू था, अच्छा नहीं समझा जाता था, जो कि हमें नज़र आता है। और किस तरह मजबूरियां हैं जो गरीबों से जुर्म करवाती हैं। अब इस सीन में हमें झलक नज़र आती है, उस वक्त पाकिस्तान में जो सोशलिस्ट मूवमेंट थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसकी मूवमेंट भी थी, और वो कैपिटलिज़म के ख़िलाफ़, सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, उनकी तहरीक चल रही थी। तो रियाज शाहिद की फ़िल्मों में या खलील कैसर में हमें ये झलक भी नज़र आती है कि वो कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ हैं। ये कैपिटलिज्म ही के ख़िलाफ़ अगर देखा जाए तो शहीद भी बनी, फरंगी, ये सब फिल्में, इसका बैकग्राउंड वही था। और ही जो हमारा मिडिल क्लास तबका था वो सबसे ज़्यादा शिकार हुआ कैपिटलिज्म का। तो इसका असर ये एक सियासी तौर पर हमें दिखाई देता है इस फिल्म में, और जो माशरती मसाइल हैं
उसको हम न्यू रियलिज्म के हवाले से देख सकते हैं कि किस तरह माशरे की तल्ख हकीकतों को, जिसमें गुर्बत है और गुर्बत की वजह से जराइम, फिल्म नुआख, फिर वहाँ आ गया ब्लैक सिनेमा, जराइम क्यों जन्म लेते हैं, इसी गुर्बत की वजह से जराइम जन्म लेते हैं और यही इंसान की मजबूरियाँ होती हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे आंसू खुशी के नहीं, गम के हैं, और तुम्हें कौन सा गम है ये भी जानती हूँ। मुझे इस बात का भी पता है कि तुम भी हर जवान लड़की की तरह उस खतरनाक मुकाम पर हो जहाँ दिल अपने माहौल से बगावत करने पर आमादा करता है, जहाँ पहुंचकर अपनों का चेहरा दुश्मनों की सूरत बनकर दिखाई देने लगता है। बाजी शमी, आज तक तुम अपने दिल की बात मुझसे छुपाती रही हो और मैंने भी आज तक ये शक नहीं होने दिया कि मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम भी जानती हो कि मैंने भी एक गरीब से प्यार किया था और प्यार के नतीजे में शादी भी की थी, लेकिन गुर्बत ने थोड़े ही अरसा बाद हम मियां बीवी के प्यार को नफरत में बदल दिया था। वो हालात के हाथों परेशान हो गया और मुझे उसकी परेशानियों ने दो जख्म धकेल दिया था, लेकिन उससे प्यार करने वाला अभी तक पलट कर नहीं आता। शमीम, मैं तुम्हारा भी यही अंजाम देखना नहीं चाहती। जिस तरह गुर्बत प्यार को निगल जाती है, उसी तरह वक्त भी प्यार के हर नक्श को मिटा देता है। तुम जज्बात की रौ में बहकर आने वाली खुशी को धुतकार ना दो। नई याद को अपना कर पुरानी यादों को भूल जाओ, खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिल्म की टेक्निक के लिहाज से देखें तो ये सीन बहुत अहम है। एक गरीब का घर, साइड पे बेड की साइड पे जो गरीब का एक बिस्तर था, चारपाई कह लीजिए, उसके के सरहाने पर एक लैंप जल रहा है जो कि मिट्टी के तेल से जलता था उस वक्त, क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं थी, वो बिजली अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। फिर इसी शेड क्या जो है दीवार पे असर आपको नज़र आता है, अंधेरे का और रोशनी का इम्तिजाज, दीवार की ईंटें जाहिर कर रही हैं कि वो गरीब का घर है, और उसमें लगी खिड़की की जो लकड़ी है और जो टूटी फूटी लकड़ी है खिड़की है, वो भी बता रही है कि गुर्बत का क्या हाल है। फिर इस सीन के डायलाग रियाज शाहिद के कमाल के लिखे हुए डायलाग, जिसमें फिर वही फ़लसफ़ा है कि गुर्बत जो है वह इंसान की खुशियाँ खा जाती है, आपकी खुशियाँ ले लेती है, छीन लेती है। खुशी का तस्वर भी पैसे के साथ है, ये एक कंसेप्ट है, एक फ़लसफ़ी है। एक फ़लसफ़ी तो और भी है ना कि आप जिस हाल में हैं खुश रहें, लेकिन ये फ़िलासफ़ी जो थी ये सोशलिस्ट नज़रियात की या साम्राज्यियत के ख़िलाफ़, कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ जो फ़लसफ़ा था उनका, ये उसमें था कि कैपिटलिस्ट जो हैं, जो अमीर माशरा है, जो अमीर है, वो गरीब की तमाम हकूक, उसकी खुशियाँ छीन लेता है। तो हमें ये यहाँ नज़र आता है कि किस तरह गरीब लड़की जो है वो बिक गई दौलत के आगे, उसके जज्बात बिक गए, उसकी मोहब्बत बिक गई, और किस तरह उसकी बहन ने मजबूरी में एक अमीर आदमी की तरफ से दी गई अंगूठी उसके हाथ में पहना दी। और ये अंगूठी का तस्वर भी हमारे यहाँ हमारे माशरे में शुरू से है कि अंगूठी एक मंगनी की रस्म कह लीजिए या किसी के साथ मुंसलिक होने का एक पैगाम होता है, वो भी सीन में हमें दिखाई दिया। बहरहाल ये फिल्म नुआख के हवाले से, न्यू रियलिज्म के हवाले से और फिल्म टेक्निक के लिहाज से बहुत अहम था। ये लो भाई तुम्हारे पैसे। अल्हम्दुलिल्लाह आज डूबी हुई रकम मिली है। इसे कहते हैं मुंह की खाना। तुम्हारा पत्ता कट गया मियां, अब जाओ, घर वाले तनख्वाह का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, तुम अपनी किस्मत आजमाओ मियां, हम तो चले। अच्छा मैडम, मिस रीटा बेबी। क्लर्क की खूबसूरती यह है कि इस पूरी फिल्म में खलील कैसर ने लाइट यानी रोशनी, अंधेरे और साये का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से किया है। आपको हर सीन में ये चीज़ दिखाई देगी और वो यहाँ इस सीन में भी थी कि दफ्तर के अंदर का माहौल, लेकिन किस तरह लाइट दीवार पे पड़ रही है और छत पे अंधेरा है और उसका शेड है, ये बड़ा वाज़े है।
और फिर इस फिल्म में भी जी, वो जो कैंटीन वाला उधार मांगने आया था और उसको पैसे दिए गए, आपने उसका उसका हुलिया देखा है, तो एक मोटी तोंद तोंद वाला आदमी, मोटी आदमी, ये भी अलामत है एक सरमायादाराना निज़ाम की, कि सरमायादार जो खा रहा है, जो पैसा हड़प कर रहा है गरीब लोग का, मिडिल क्लास का, वो खा खा के उसकी तोंद कितनी मोटी हो गई, ये बड़ा अलामती किरदार है उसका हुलिया जो है। ये हुलिया कोई और भी हो सकता था, लेकिन खलील कैसर ने अगर एक ऐसा कैरेक्टर इस हुलिये में दिया तो ये इसके पीछे भी उनका जीनियस है। ये एक हदायतकार की खूबसूरती है कि उसने किरदार के हुलिये से उस किरदार की जो खसूसियात हैं वो वाजे कर दी। और ये अंदाज़ जो है हमें उस वक़्त इटालियन नियो रियलिज्म में भी बहुत वाजे दिखाई देता है। नहीं चाचा, माहौल से आंखें बंद कर रखी थी। क्यों? मैं इस दफ्तर को देखना नहीं चाहता, मैं यहाँ की हर चीज से तंग आ चुका हूँ। जिंदगी में परेशानियां बढ़ जाएं तो हर शय बुरी लगती है। इंसान कभी अपनों से तंग आ जाता है और कभी अपने आप से। लेकिन चाचा, मेरी तमाम खुशियां तो इसी दफ्तर ने खा ली है। कौन सी खुशियां बेटे? वो तो सिर्फ उम्मीदें थी जिन्हें तुम खुशियां समझते रहे हो। वो शायद उम्मीद की किरण थी जिसे मैंने खुशियों की रोशनी समझ लिया था। मैं 9 साल से उसी रोशनी के पीछे भाग रहा हूं, लेकिन अंधेरा है कि बढ़ता ही चला जाता है। और फिर एक दिन आएगा जब मुकद्दर की यही स्याही तुम्हारे बालों को सफेद कर देगी चाचा, और तुम मेरी तरह रिटायर होकर दोबारा इसी दफ्तर में आधी तनख्वाह पर मुलाजिम हो जाओगे। चाचा, आज मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं दूसरे के लिए आसरा बनते बनते खुद बेआसरा हो गया। ये ना सोचो अनवर, अब तुम खामिन नहीं, दो बच्चों के बाप भी हो, उन बच्चों के जिनका मुस्तकबिल सिर्फ तुम्हारे हौसले का मोहताज है। मैं हौसला छोड़ चुका हूँ चाचा। बच्चे जब मेरी तरफ उम्मीद भरी आंखों से देखते हैं तो मैं खौफ से काम जाता हूँ। मैं हर रोज यही कोशिश करता हूँ कि उस वक्त घर जाऊं जब वो सो चुके हूँ। कब तक अपने आप को फरेब देते रहोगे अनवर? तुम अपने लिए क्लर्क हो लेकिन अपने बच्चों के लिए बादशाह हो। रियाज शाहिद का लिखा हुआ एक और खूबसूरत सीन आपने देखा। पूरा फलसफा इसमें है कि किस तरह सरमायादार जो हैं वो मिडिल क्लास को, गरीब क्लास का खून निचोड़ रहे हैं। एक क्लर्क दफ्तर में बैठा है और अपनी पूरी ज़िंदगी का जायज़ा लेता है, कितने साल उसको हो गए नौकरी करते हुए, और उसके हालात वहीं के वहीं हैं, और शादी के बाद तो मज़ीद बिगड़ गए हैं। क्या वो बच्चों का ख़र्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकता? उसकी सारी मेहनत, सुबह आता है, रात को जाता है, अंधेरा हो जाता है, वो सारी मेहनत का सिला उस सरमायादार खा रहा है। वो तबका खा रहा है जिसने गरीबों के हकूक़ पे कब्ज़ा जमा रखा है। और फिर इसमें आपने देखे कि एक जो बाप का औलाद के साथ रिश्ता है इंसानी नफसियात के हवाले से, वो भी सब बताया गया कि वो क्लर्क है लेकिन उसके बादशाह, उसके बच्चे तो उसको बादशाह समझते हैं, इसलिए कि उसके लिए, उनके लिए वही सब कुछ है जो उनके लिए कमा कर लाता है, जो उनके खर्च उठाता है, जो उनके दुख और सुख को देखता है, समझता है। तो ये इंसानी जज्बात भी मुकम्मल तौर पर इस सीन में हैं, और दौलत और गुर्बत का, इश्तराकियत का और साम्राज्यत का फ़लसफ़ा भी आपको इस सीन में दिखाई देगा। तो ये ही इस फिल्म की खूबसूरती है। फादर मैंने क्या है अम्मी? फादर मैंने बाप। फादर मैंने अब्बा। अब्बा मैंने अनवर मियां। अब्बा जान, स्कूल में इम्तिहान शुरू होने वाले, मास्टर 3 महीने की फीस मांगता है। इसके साथ चंदा भी अब्बा जी, कल उसने सारा दिन मुझे बेंच पे खड़ा रखा, कहता है अगर फीस नहीं दे सकते तो पढ़ने क्यों आते हो, फीस ना दी तो नाम कट जाएगा। कम वक्त कभी तो जान नहीं दिया करो, हर वक्त पैसे ही मांगते रहते हो। फीस ही तो मांगी है माँ, मिठाई तो नहीं मांगी। तुमने उन्हें परेशान कर दिया है, कल परसों तक फीस का इंतजाम हो जाएगा। जाओ अब्बा से माफी मांगो, जाओ उन्हें।
अब्बा ने माफ कर दो। एक गरीब क्लर्क के घर का सीन, एक ही बड़ा सारा कमरा कह लीजिए जिसमें एक साइड पे बेड है, इन्हें वो बेडरूम भी है, और एक साइड पे किचन बना हुआ है। उस ज़माने का आपने देखा चूल्हा, जो नीचे लकड़ियां जलाई जाती थी और नीचे बैठ के खाना बनाया जाता था। ये हमारे उस दौर में पाकिस्तान में शहरों में भी और देहातों में तो था ही था, जो शहर के गरीब घराने थे वहाँ भी इसी तरह का चूल्हा जो है वो इस्तेमाल होता था। ये वो कल्चर है जो आपको बिल्कुल हकीकत में इस फिल्म में दिखाया गया, हकीकत निगारी है इस फिल्म की जो आप देखेंगे। फिर एक बाप का किरदार, एक गरीब बाप, एक क्लर्क जो शायद 3 माह से बच्चों की फ़ीस भी नहीं दे सका, और जब बच्चों को फ़ीस के लिए स्कूल में तंग किया जाता है, सब बच्चों के सामने उनको कहा जाता है, तो वो उनके दिल पर क्या गुज़रती है, और वो बच्चे कैसे नफ्सियाती तौर पर दबाव का शिकार होते हैं, और उसका असर बाप के जज्बात पर यह पड़ता है कि वो झुंझला उठता है, और आखिर में वो बच्चों को किस तरह झिड़क के उठता है। वो चाहता नहीं है ऐसा करना लेकिन मजबूर है, इसलिए कि वो एक सरमायादारा निज़ाम, जो सरमायादाराना निज़ाम है, वो उसका ऐसा शिकार हो चुका है कि उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। नतीजतन वो अपना सारा गुस्सा अपनी बीवी और बच्चों पे निकालता है। बीवी के रोल में आपने इसमें मुसर्रत शाहीन को देखा, मुसर्रत नज़ीर को देखा। मुसर्रत नज़ीर जो हैं वो वैसे तो अपने शोख और चुलबुले किरदारों की वजह से शोहरत रखती हैं, पर इस फिल्म में उन्होंने नहायत मुख्तलिफ किरदार अदा किया, जो कि आपने देखा एक गरीब घरेलू बीवी का, और बहुत खूबसूरती से ये किरदार भी अदा किया। लिहाजा मैं अभी फिर यही कहूँगा कि हमारी ये फ़िल्म क्लर्क बैन अल-अक़वामी तौर पे जो उस वक्त की फ़्रांस की और इटालियन मूवीज़ थी और जो हॉलीवुड की फिल्म नुआख थी, उसके लिहाज से पूरी तौर पे ये उनके मियार पे पूरी उतरती है, और यही खलील कैसर की हदायतकाराना सलाहियतों का एतराफ़ है। मुख्तसर सा सीन आपने देखा, बहुत अहम सीन। आपने गौर किया कि जुमला क्या था जो बार बार रिपीट किया गया एक बच्चे की ज़बान से, रो मत चुप रह, रो मत चुप रह। माशरे में जब दबाव हो, घुटन हो और आपको दबा दिया जाए, तो मज़लूम तबका बेचारा सिर्फ रो ही सकता है, वो चुप रहता है, उसमें एहतजाज की हिम्मत भी नहीं होती। ये सीन उसकी अक्कासी करता है उस दौर को, जैसा मैंने कहा था फिल्म बनी पाकिस्तान में जमहूरियत का खात्मा हो चुका था और पहली दफ़ा मुल्क में मार्शल ला लगाया गया था, और उस वक्त वाकई कदगन थी, इजहार राय पे भी पाबंदी थी, और जो होता है इन हालात में फिर उस वक्त जैसा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टीज़ पे भी पाबंदियाँ आयद की गई, पकड़ धक्कड़ का सिलसिला शुरू हुआ, और तो ये सीन उसकी अक्कासी करता हुआ नज़र आता है। हम 1958, 1959 और 1960 को जहन में रखें और फिर इस सीन को सुने, तो हमें पता चलता है कि खलील कैसर ने और रियाज शाहिद ने कितनी खूबसूरती से उस माहौल की अकासी की है। मैं तो सब्र कर लूंगा, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो मेरे हौसले पर जिंदा थे? उस घर का क्या बनेगा जिसे मेरे दम ने आबाद किया था? तकदीर ने उनके लिए यही सोचा था। कैसी तकदीर? उसी तकदीर की बात करते हो जिसने मेरी जिंदगी के 25 साल छीन कर मुझे क्लर्की दी और फिर एक ही रात में मुझे क्लर्क से चोर बना दिया। उसी तकदीर का कहते हो जो तुम्हें नेकी के रास्ते पर डालकर जेल में ले आई? नसीब में यही लिखा था भाईजान। झूठी तसलियां न दो मुझे। अब मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि गरीबों का नसीब तकदीर नहीं जमाना लिखता है। हमें मजबूरियां देने वाले वही लोग हैं जो हमारी झोलियां खुशियों से खाली कर देते हैं, वरना तकदीर इतनी जालिम नहीं होती कि किसी बाप की जिंदगी में उसके बच्चों को यतीम कर दे। भाईजान, मैं जानता हूं मुझे हर हालत में ये गम बर्दाश्त करना पड़ेगा,
ये सजा काटनी पड़ेगी, लेकिन मैं इसे चोरी की सजा समझकर नहीं, गरीब के घर पैदा होने की सजा समझकर झेलूंगा। और घर की याद मेरे सीने में जागे हुए दर्द को लोरियां देकर सुलाती रहेगी। ये सारा सीन और इसके मकालमे भी उसी माशरे की इकासी कर रहे हैं, गुर्बत और अमारत की जंग के दरमियान जो जंग है, और किस तरह एक तबका जो है अमीरों का एक तबका है जिसने गरीबों को दबाया हुआ है, जिससे सफ़ेद पोश तबका जन्म लेता है जो बेचारा सारी उम्र मजबूर और बेबस रहता है। और फिर जेल में आके ये सीन और ये डायलॉग देना, तो ये जेल भी एक अलामत है कैद की, ये माशरती कैद की, इस घुटन की, कि हम किस तरह एक तबके के दौलत के सरमायादार के कैदी हैं। ये पूरा सीन इसकी अकासी करता है, और इसके जो डायलॉग्स हैं वो भी सुनने वाले हैं। दोबारा अगर आप हो सके तो इस सीन को देखिए और इसको सुनिए। यहाँ क्यों आई हो? आप यहाँ क्यों आए थे? यहाँ से चले जाओ। यहाँ से चले आइए ना, मैं सजा काट कर आऊंगा। मैं सजा नहीं काट सकती। सिर्फ बच्चों की माँ बनकर दिन काटो, भूल जाओ कि तुम एक दीदी भी हो। कैसे भूल जाऊं अनवर? अर्ज कर लो कि मैं मर चुका हूँ। अनवर, यकीन कर लो मैं भी मर जाऊंगी। अगर ये बात है तो आज ही से बच्चों को यतीम खाने में दाखिल करा दो। इस सीन में आपने सुने रियाज शाहिद के नहायत ही काटदार जुमले, तलख माशरती हकीकतें, इंसानी जज्बात, किस तरह सवाल जवाब में मियां बीवी की गुफ्तगू होती है, और किस तरह वो अपने हालात की अकासी करते हैं, अपने जज्बात को बयान करते हैं। नहायत खूबसूरत सीन, उसके जुमले जो हैं वो सुनने के काबिल हैं। मैं यहाँ एक एक जुमला रिपीट नहीं करना चाहता, आप ख़ुद सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन जुमलों में, इन डायलॉग्स में कितनी ताकत है, कितनी एनर्जी है, और किस तरह एक पूरे माशरे के मुंह पर एक तमाचा कह लीजिए, एक तंस कह लीजिए, ये जुमले कर रहे हैं। कितना खूबसूरत छोटा सा सीन जो मैंने आपके लिए मुंतखब किया दिखाया, इसमें कोई जुमला नहीं है, लेकिन इस सीन को दिखाने का मकसद ये है कि ये था हमारा पाकिस्तान 50s और 60s की दहाई में, कि जब गरीब जो है बेचारा, साइकिल उसके लिए अयाशी होती थी, सवारी होती थी, और वो अपने बीवी और बच्चों को इसी साइकिल पर लेके घूमने निकलते थे, सैर व तफरी के लिए जाते थे, तो साइकिल उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी खुशी थी। तो ये सीन आपको यकीनन जो लोग उस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं उनको यादों में ले जाएगा, और नई नस्ल जिसने ये सीन नहीं देखा, जिसने वो मनाजिर नहीं देखे, मैं उनको आगाह कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा भी होता था, ये भी हमारा माहौल था जिसकी अकासी की गई, जो आपने बिल्कुल सच्ची उसी तरह की अकासी इस फिल्म में देखी। जिसके घर की दीवारें आसमान तक जा पहुँची, जिसकी उम्मीद के दरवाजे पर समाज ने ताला डाल दिया। शमीम की बात तो नहीं करते? उसका जिक्र छोड़ो माँ, मैं नजमा की बात करता हूँ। नजमा? कौन है नजमा? किसकी बेटी है? बदनसीबी की औलाद है माँ, जवान है मगर नामुराद है, बोल सकती है लेकिन गूंगी है, हुस्न है मगर गुर्बत की बदसूरती में लिपटा हुआ, शराफत है लेकिन मजबूरियों की आग में सुलगती हुई। मैं सब कुछ समझ गई हूँ अनवर, वो जो कुछ है हमारे घर की जीनत के लिए मौजू है। सच कहती हूँ माँ? हाँ बेटे, तुम दोनों एक ही कश्ती के सवार हो, इकट्ठे रहकर तूफान का मुकाबला भी कर सकोगे और एक दूसरे का दुख भी बांट लोगे। माँ अनवर, ये सीन भी अकासी करता है क्लास कॉन्शियसनेस की,
कि आपको अपने तबके का, अपनी क्लास का एहसास होता है। और एक जो तबका होता है, मैं माशी लिहाज से कह रहा हूँ, इकोनॉमिकली, कि जो गरीब तबका है वही गरीब के दुख समझ सकता है। ये फिल्म, इसके डायलॉग, कि वो गरीब ही गरीब का सहारा बनता है, अमीर कभी गरीब का सहारा नहीं बनता। और यही क्लास डिफरेंस जो है वो इस फिल्म की थीम भी है। तो क्लर्क फिल्म के बारे में आपने देखा और सुना, और मैंने जो मैं समझता था, मेरी नज़र में था, मैंने आपको बताया। आपकी अलग राय भी हो सकती है, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या इन फिल्मों को देखने के बाद और ये मेरी बात सुनने के बाद, क्या आप समझते हैं कि हमारा सिनेमा उस दौर में, मैं 60s 70s की दहाई की बात कर रहा हूँ, बैन अल-अक़वामी तौर पर क्या वो किसी यूरोपियन या हॉलीवुड के सिनेमा से अपनी थ्योरी के लिहाज से, टेक्निक के लिहाज से क्या कम था या उसके बराबर खड़ा था, या कोई मामूली उसको आप फ़र्क समझते हैं? तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से और इसको आगे शेयर करने से ये होगा कि बात, ये मैसेज पहुँचेगा, अवेयरनेस लोगों को पहुँचेगी। लोगों को हम अपने मुल्क की तारीख बताना चाहते हैं, जो सच्ची तारीख है, और इन हकीकतों को देखना चाहिए। हमें आगे बढ़ना है, आगे का सोचना है, तो अपने माजी से सबक सीखना होगा। अपने माजी से सबक सीख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, यही इस चैनल का मकसद है। फ़ख्र कीजिए, मैं, आप, हम पाकिस्तानी हैं। हमें अपने माजी पे भी फ़ख्र है, हमें अपने मुस्तकबिल पर भी फ़ख्र होना चाहिए, और हमें एक अच्छा मजबूत माशरा कायम करना चाहिए। अगले लेक्चर या अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। दिस इज़ सिनेमा माय डार्लिंग। This is cinema, my darling.